तो ये मौलिक अधिकार से तात्पर्य क्या है, किन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है और क्यों कहा गया? मौलिक अर्थात अंग्रेजी में फंडामेंटल, आधारभूत। आधारभूत अधिकार कौन से हैं और क्या सभी देश में वही अधिकार आधारभूत हैं समान स्तर पर, या देश के साथ साथ काल के साथ साथ वे बदल भी रहे हैं? क्या सभी देशों में इन मौलिक अधिकारों की संख्या समान है या इनमें भी अंतर है? मौलिक अधिकार है क्या? सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अपरिहार्य है। अपरिहार्य को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिस्पेंसिबल। अपरिहार्य अर्थात जिनके बिना रहा नहीं जा सकता, जिनके बिना मनुष्य जैसा जीवन नहीं जिया जा सकता, उसे कहेंगे अपरिहार्य। मौलिक अधिकार वे अधिकार जिनके बिना मानव मानव जैसा जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए संविधान के द्वारा ये, दूसरी बात, ये अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं, अर्थात इन पर संवैधानिक सील लगी हुई है। संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं और चूंकि ये संविधान द्वारा दिए गए हैं इसलिए इन अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान सर्वोपरि है। चूंकि संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया है इन अधिकारों का, इसलिए राज्य भी इन अधिकारों को या इन अधिकारों में किसी तरह का दखल नहीं कर सकता। इसलिए ये अधिकार क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार। न्यायाधीश सुब्बाराव, के सुब्बाराव प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा है कि परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम मौलिक अधिकार है। परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का नाम मौलिक अधिकार। परंपरागत प्राकृतिक, ये दो शब्द के मिश्रण को लेकर मौलिक अधिकार बनते हैं। आखिर इन्हें मौलिक क्यों कहा गया? मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहा गया? बेसिक क्यों कहा गया? बेसिक फंडामेंटल था बेसिक राइट्स। इसके कुछ कारण हैं, चार कारण मुख्य रूप से जो ये बताते हैं कि इन अधिकारों को क्यों मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है, या चार वे कारण जिनसे स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार क्या हैं। पहला कारण, व्यक्ति जो है उसका भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास जरूरी है। भौतिक अर्थात शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक। भौतिक आध्यात्मिक, उसके अलावा नैतिक विकास, ये जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो व्यक्ति का उचित विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति के समुचित विकास के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए कि, या व्यक्ति के समग्र विकास के लिए कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसका भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास हो? इसीलिए ये सुनिश्चित करने के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश में कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, तो ये मौलिक हैं, इसलिए ये मौलिक अधिकार हैं।
हर आदमी को मिले हैं ये अधिकार, हर व्यक्ति को। और इन अधिकारों को देते समय किसी भी तरह से भेदभाव नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आधारभूत हैं। इसके बिना एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता। दूसरा कारण क्या है जिसके कारण से हम मौलिक कहते हैं? दूसरा कारण है कि ये अधिकार देश की मौलिक विधियों अथवा संविधान में वर्णित हैं। मौलिक रूप से, आधारभूत रूप से संविधान में है, और साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बाद ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। एक बहुत गहन प्रक्रिया, अन्यथा सामान्य स्थिति में साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त और किसी तरीके से इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इससे तात्पर्य यह है कि इन अधिकारों का मानव की निकटता से इतना गहरा संबंध है कि इनमें से किसी भी अधिकार को हटाने या किसी भी अधिकार की सीमा को पुनर्निर्धारित करने के लिए एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। ये सरल नहीं है मौलिक अधिकारों में किसी तरह का बदलाव करना। आखिर ये मौलिक हैं, तो इसलिए साधारणतया संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे मौलिक कहते हैं। मूल अधिकारों की ये मुख्य विशेषता है कि मूल अधिकार जो हैं वो राज्य की पारित विधियों से ऊपर हैं। राज्य के द्वारा जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे ये ऊपर हैं, इसीलिए भी मौलिक हैं। तीसरा कारण इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो अधिकार हैं जिन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है, यानी इन अधिकारों का अस्तित्व राज्य के आधार पर नहीं है, राज्य के द्वारा नहीं है। इन अधिकारों का अस्तित्व राज्य के कारण नहीं है या किसी अन्य ऐसे कारणों से नहीं है जो सामान्य हो। इसका अस्तित्व संवैधानिक है, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है, संविधान में इसका प्रावधान है। सरकार की जब हम बात करते हैं तो उसके जो तीन अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनके द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कतई नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि मौलिक अधिकारों के द्वारा किसी भी अंग का कोई भी कार्य किया जाता है तो केवल न्यायपालिका उसमें दखल दे सकती है। यदि मौलिक अधिकारों के खिलाफ कार्यपालिका या व्यवस्थापिका कभी जाती नजर आती है तो सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, वही इसमें दखल दे सकती है, वह इसे गैर कानूनी घोषित कर सकती है, वह इसे असंवैधानिक बता सकती है, इसीलिए इसे मौलिक अधिकार कहा गया। और चौथा और अंतिम कारण इसे मौलिक अधिकार कहने का, नागरिक इनकी रक्षा और इनके क्रियान्वयन के संबंध में न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसलिए ये मौलिक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सामाजिक अधिकारों में
जो हमने पढ़े उनमें से कुछ मौलिक भारत के संदर्भ में हैं और कुछ नहीं हैं। अर्थात मौलिक अधिकार भी समय के साथ साथ जुड़ते जाते हैं और जितने ज़्यादा मौलिक अधिकार उतना ही अच्छा वहाँ का समाज और राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। तो अब हम अगले बिंदु पर आते हैं और वह है मौलिक अधिकारों का महत्व या मौलिक अधिकारों का उद्देश्य। बड़ा स्पष्ट है, पहला, इसके बिना मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं। ये बात बारंबार पूर्व में कही गई है कि मौलिक अधिकारों के बिना मनुष्य का पूर्ण विकास संभव नहीं। मौलिक अधिकार ही वो हैं जो मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए एक उचित वातावरण तैयार करते हैं। मौलिक अधिकार ही हैं जो मनुष्य के प्रगति के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। इसलिए ये मौलिक अधिकार का महत्व बताता है। प्रोफेसर लास्की, उन्होंने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, वे परिस्थितियां जिनके बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये परिभाषा मैंने पूर्व में आपको दी। इन परिस्थितियों को ऐसा बनाना जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक बने, ये मौलिक अधिकारों के जरिए ही संभव है। इसलिए मौलिक अधिकार जो हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की महत्ता को बहुत अच्छी तरह समझा और इसीलिए इस पर गहन विचार विमर्श किया और उसके बाद मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करते हुए उसे एक संवैधानिक दर्जा दिया, संवैधानिक प्रावधान किया और ऐसा करते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि इन मूलभूत अधिकारों से राज्य वहाँ के नागरिकों को भरसक वंचित न कर पाए, ऐसे प्रावधान किए जाएं। अधिकारों के महत्व, उद्देश्य या उनकी आवश्यकता, इसमें दूसरा बिंदु है प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ। आखिर प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र यानी रूल ऑफ मेजॉरिटी, ज़्यादा मत जिनको मिला उस दल का शासन। तो जो माइनॉरिटी में है, जो लोग विरोधी हैं, जो विरोध पक्ष में हैं, उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? सरकार का तो दायित्व बनता है कि वह सभी को समान रूप से देखे, लेकिन दायित्व एक चीज़ है पर यह सुनिश्चित करना कि विरोधी पक्ष या आलोचक, उनके वे भी शासक दल के सदस्यों या शासक दल के पक्ष वालों के समकक्ष समझे जाएं, उन्हीं के बराबर देखा जाए, उनके साथ विरोधियों जैसा बर्ताव ना किया जाए। ये सब के लिए ज़रूरी है कि बहुमत के अत्याचार को रोकने के लिए कुछ प्रावधान हो। इसीलिए दूसरा बिंदु है प्रजातंत्र में बहुमत के अत्याचार से रक्षा। इस उद्देश्य से अधिकारों का बहुत महत्व है। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल शासन करता है, वो सरकार चलाता है, वो नीतियां बनाता है और स्वाभाविक है उसकी नीतियां विरोधी सदस्यों को, बहुत लोगों को जायज ना लगे, उचित ना लगे। ऐसी स्थिति में वो विरोध करेंगे और यदि उनसे विरोध करने का
मंच या विरोध करने का उन्हें अधिकार ना हो तो फिर निरंकुशता आ जाएगी। शासन या सत्ता या सरकार जो है वो निरंकुश बन जाएगा, डिक्टेटोरियल हो जाएगा। तो ये अधिकार जो हैं, अधिकारों का दिया जाना इस बात को सुनिश्चित करता है कि बहुमत की निरंकुशता ना हो। जी एन जोशी, एक राजनीतिक विचारक, उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों के बिना प्रजातांत्रिक सिद्धांत लागू ही नहीं हो सकते। अर्थात यदि प्रजातंत्र होना है, वास्तव में प्रजातंत्र को धरातल पर अपने उचित रूप में रहना है, तो ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को अधिकार मिले, अन्यथा प्रजातंत्र बेमानी है, प्रजातंत्र की बात करना बेमानी है और प्रजातंत्र लागू ही नहीं हो सकता। क्योंकि जब प्रजा की बात होती है तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सब बराबर हैं, और ये बराबरी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों का बहुत अहम भूमिका अधिकारों की होती है। सदैव ही बहुमत के अत्याचार का अन्यथा भय बना रहेगा। यदि अधिकार न दिए गए तो विरोधियों को, विपक्षियों को, विपक्षी दलों को ये हमेशा भय रहेगा कि उनके साथ अत्याचार होगा, और इस भय के कारण हो सकता है ये सब सरकार की या शासन पक्ष की, सत्ता पक्ष की बस हाँ में हाँ मिलाएं विवशता के कारण। और यदि ऐसा होता है तो वहाँ निरंकुश हो जाएगा शासन, वहाँ शासन डिक्टेटोरियल हो जाएगा, जो गलत है, जो प्रजातंत्र में कतई अपेक्षित नहीं है। इसलिए प्रजातंत्र में बहुमत के अत्याचार से रोकने के लिए, बहुमत के अत्याचार से रक्षा करने के लिए अधिकारों का बहुत महत्व है। तीसरा महत्व, तीसरा कारण जो अधिकारों की महत्ता को स्पष्ट उजागर करते हैं, वह है सरकार की निरंकुशता पर रोक। अभी जो मैंने बात कही वो थी बहुमत की निरंकुशता, और अब सरकार की निरंकुशता। मौलिक अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि संघीय और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है सभी को बराबर अधिकार देना। सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन, उल्लंघन या इनमें से किसी प्रकार भी हस्तक्षेप होने पर हमें न्यायालय जाने का अधिकार है। अधिकारों का प्रावधान किया गया है सरकार को निरंकुश न होने देने के लिए। अधिकार जनता को, प्रजातंत्र में सभी को दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे उदाहरण आते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं जब सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विरोधियों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है, और विरोधियों के साथ साथ मीडिया की आवाज़ भी। ऐसी स्थिति में मीडिया को, विरोधियों को ये अधिकार है कि वे सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और यदि नहीं करने दिया जा रहा है तो वे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार जो है वो अपने संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की ये बहुत अहम भूमिका है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रजातंत्र में लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो रही हो, कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को कुचला ना जा रहा हो, उसका हनन ना किया जा रहा हो। इसलिए मौलिक अधिकारों के संबंध में पालकीवाला, जो बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक वेत्ता हैं, कानूनी विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के निरंकुश स्वरूप से, कैसे स्वरूप से, निरंकुश स्वरूप से
साधारण नागरिकों की रक्षा करते हैं, एक तरह के साधारण नागरिकों के वे कवच हैं, ढाल हैं। तो अब हम समझ गए होंगे कि बहुमत की निरंकुशता और सरकार की निरंकुशता में अंतर, और निरंकुशता कितनी बुरी हो सकती है। यदि सरकार ने हमें बोलने का अधिकार नहीं दिया, घूमने का अधिकार नहीं दिया, और यदि बोलने का अधिकार नहीं दिया तो हम सरकार का किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर सकते। सरकार तक अपनी आवाज़, विरोध की आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, रैलियां नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते, जनसभा नहीं कर सकते, आदि आदि। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सरकार जो चाहे वो कर सकती है, यही जो चाहे वह कर सकती है, यही चीज़ निरंकुशता कहलाती है। तो निरंकुशता से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में जनता को ये ढाल दी गई है, ये ढाल है, कवच है। इस कवच के बल पर जनता अपने को बचाए रखती है, और यदि कभी ऐसा महसूस हुआ कि सरकार हमारी आवाज़ को कुचल रही है, दबा रही है, तो हम न्यायालय भी जा सकते हैं। न्यायपालिका, जो सरकार का तीसरा अंग है, उसका काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। चौथा उद्देश्य अधिकारों के दिए जाने के पीछे विधान मंडल और कार्यपालिका अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। व्यवस्थापिका जो है, जिसे हम विधान मंडल कहते हैं, जो कानून बनाता है, और कार्यपालिका जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, व्यवस्थापिका अर्थात जिसमें विधान मंडल, संसद भवन, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब आते हैं, जिनका काम है कानून बनाना, और सरकार का वो दूसरा अंग जिसका नाम है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रधानमंत्री और सारे मंत्री और उसके मातहत करने कार्य करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी आते हैं, इनके लिए ये अति आवश्यक है कि वे मौलिक अधिकारों का सम्मान करें, उसका आदर करें, उसका हनन ना करें। और ये आवश्यक कैसे बनाया गया है? संवैधानिक प्रावधान देकर, मूल अधिकारों को संविधान में स्थान देकर ये सुनिश्चित किया गया है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अधिकारों को उचित सम्मान दें, उसका हनन ना करें। यदि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि सरकार को लगे कि इस अधिकार को, किसी एक अधिकार का दुरुपयोग जनता कर रही है, या सरकार को ऐसा लगता है कि किसी खास स्थिति में किसी अधिकार के एकाध अंग, किसी अधिकार के तहत दिए जाने वाले वाली एकाध स्वतंत्रता शायद देश के लिए उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संसद जो है वह संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट ला सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक तरीका है, एक प्रोसीजर से गुजरना होगा। संविधान के उस किसी भी प्रावधान को जिसका संबंध अधिकारों से है, उसे सरकार जब चाहे अपनी इच्छा से नहीं हटा सकती, उसके लिए उसे एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके तहत एक काफ़ी लंबा समय लगता है, और इतना सरल नहीं है संविधान के अधिकारों संबंधी प्रक्रिया में किसी तरह बदलाव करना। तो इस प्रकार कहा यह जा सकता है कि संविधान संशोधन किए बिना किसी भी अधिकार को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की ये जिम्मेदारी है कि वे इन अधिकारों का उचित सम्मान करें। और पांचवा महत्व इन अधिकारों का है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का उद्देश्य जो है वह देश में स्वतंत्रता और समानता, कैसी स्वतंत्रता और समानता पर आधारित राजनीतिक
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। कल्पना करिए, हमें अधिकार न मिले हों, हम में से किसी वर्ग को अधिकार न मिले हों, और सामान्यतया किसी महत्वपूर्ण चीज़ों से वंचित होने का ठेकरा जो है वह निर्धन वर्ग पर, कमज़ोर वर्ग पर, समाज के नीचे के तबकों पर ही जाता है। अर्थात कल्पना करिए, इस नीचे के वर्ग को अधिकार ना मिले हों, समानता का अधिकार ना मिला हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? वे लोग निम्न स्तर के ही माने जाएंगे, कानूनी रूप से भी उन्हें निम्न स्तर का ही रखा जाएगा। हैं तो मानो वो भी, वे भी इस धरती के ना, इस देश के नागरिक हैं। तो ऐसी स्थिति में समानता नहीं रहेगी, और इसी स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कि समानता और स्वतंत्रता सबको मिले, अधिकारों को दिया गया है। क्योंकि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। हम राजनैतिक लोकतंत्र की बात करें और वह लोकतंत्र मात्र धनाढ्य वर्ग के लिए हो, जिसमें चुनावी प्रक्रिया, मतदान के अधिकार, ये सब ऊंचे तबके के लोगों को मिला हो, तो क्या वह वास्तव में लोकतंत्र कहलाएगा? हम आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ ना करते हुए उन्हें कमज़ोर ही किए चले जाएं, निर्धनता उनकी बढ़ती चले जाए, तो ऐसी स्थिति में जब अधिकार उनके पास नहीं रहेंगे तो गरीब और गरीब होता चला जाएगा, उसका और शोषण होता चला जाएगा, उसकी निर्भरता अमीर तबके पर और बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में क्या आर्थिक लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? नहीं। और सामाजिक लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें समाज का सब तबका एक समान हो, यही एक आदर्श लोकतंत्र है। समाज का सब सारा, समाज के सभी तबके के सभी लोग जो इस देश के नागरिक हैं, वे सब एक ही दृष्टि से देखे जाएं, कानूनन संवैधानिक दृष्टि से सरकार की नज़र में और समाज के अन्य तबकों की नज़र में, ये तभी संभव है जब स्वतंत्रता और समानता पर आधारित उन्हें अधिकार दिए जाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का स्थान हमारे संविधान में कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के संविधान में अधिकारों की महत्ता उसके उद्देश्य या उसकी आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता। स्थिति एक ऐसी स्थिति की कल्पना करिए, अधिकार विहीन देश की, जहां लोगों को अधिकार ना हो, तो हम देख सकते हैं कि यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार ना हो तो हम विरोध कर ही नहीं सकते, सरकार के गलत कार्यों की आलोचना कर ही नहीं सकते। कल्पना करिए, यदि हम धर्म का अधिकार ना हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ना हो, तो सरकार हमें विवश करेगी कि हम क्या धर्म अपनाएं, कितना जायज है। कल्पना करिए, हमें शिक्षा का अधिकार ना हो, ऐसी स्थिति में हम में से बहुत से लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हमें अधिकारों की महत्ता को समझना चाहिए, और इसीलिए अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संविधान में।